बैठने की भी जगह बनाई है अच्छे से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। सॉरी, बहुत दिनों बाद एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो एज यूजुअल मेरे मोबाइल के स्टोरेज प्रॉब्लम थी गाइस, तो ये प्रॉब्लम ना मुझे किसी भी तरह सॉल्व करनी है और उसी के पीछे लगी हुई हूँ। उसके बीच बीच में थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ और क्लिप्स ऐड करके ना आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझ लो और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दो, क्योंकि ना ये प्रॉब्लम जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगी ना तब तक मुझे मेरे ऐसे व्लॉग्स जो है थोड़े से लेट आएंगे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहना और मेरे ये प्रॉब्लम से रिलेट करते हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर करना कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हो, तो मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएंगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। तो हम ना हमारे घर से थोड़ी सी दूर में एक पार्क है। मैंने आपको बताया था चिल्ड्रंस डे के टाइम पे हम यहाँ पे आए थे, तो ये पार्क बंद था तभी। तो अभी जाके जो है ना ये रिसेंटली खुला है ये पार्क, और हमें सुनाई में आया है, प्रोग्रेस में है, अभी तक फुल्ली बना नहीं है ये, थोड़ा थोड़ा बना है। और वही वही जगह पर जो है बच्चे खेल कूद सकते हैं, तो हम वही जगह पे जा रहे थे जो जो यहाँ पे शेर सॉरी बाघ पे बैठा था और मैं फ़ोटो खींच रही थी। बड़ों का अलाउड नहीं था, बच्चों के लिए ही था। मुझे अच्छा ही लगा ऑलमोस्ट पार्क का, लेकिन बहुत सारे काम जो है ना अभी भी चल रहे थे। तो जब पार्क पूरी अच्छे तरीके से बन जाएगा ना, तब जाके ये पार्क देखने में और अच्छा लगेगा। आपको पार्क में घूमना पसंद है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। तो जो जो भी यहाँ पे सब जगह पे घूम के देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी ना, तो पार्क जो है बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, तो पूरे एरिया में हमारा घूमना नहीं हुआ, क्योंकि ये टाइम पे जो है ना धूप कम होती है और ज़्यादा देर रुके ना तो अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती, फिर घूमने में कोई मज़ा नहीं आता। इसीलिए हम ये थोड़ा सा जो जो खेले, हम थोड़ा सा एक राउंड मारे घूमे, उसके बाद हम घर के तरफ चल दिए थे। करो ना, बड़े लोग भी चढ़ते हैं उस पर, मेरी बहन वगैरह चढ़ी थी। किड्स प्ले एरिया, वहां से नहीं चढ़ते। चलो अपन ढूंढते किसी ने किया कैसे। हमको खापी के धंधे नहीं है। चलो आप यहां, हाँ ये वाला करो। हाँ जो जो इसके स्कूल में है ना जो जो ऐसे वाला। चलो हो गया खत्म, वहां तक उठ के खत्म हो गया। अब मेरा फोटो लो। हे भगवान, वहां तक चढ़ा फोटो खींचने के लिए। इधर देखो ना, मेरा फोटो लो। चलो उसको झूला दो वहां पे, उसको जाने दो वहां पर। चलो लड़की से करो करो करो, फिर से करो। इधर बैठो तुम, और सोफी के लिए बैठो। हाँ जहाँ बैठना है बैठो। अभी रुक के आए।
अच्छा लगता है। ए वहाँ से चढ़ते नहीं है, गिरोगे तुम। क्या बोल रहे हो? चलो थोड़ा उधर उधर से घूम के आते हैं ना। बैठो बैठो बैठो। ये पापा क्या है? ये एलिफेंट। एलिफेंट के ऊपर बैठोगे? हाँ। चलो एलिफेंट के ऊपर बैठो। बैठ सकते हैं वो? हाँ। बैठो। हाँ बैठो। हाँ हाय बोलो। हाय मैं हूँ ना पापा, ऐसा डरते नहीं। बाहुबली हो तुम। वाह अमेंद्र बाहुबली। अरे हाथी तुम उसे घर छोड़ देना, हम जाते हैं ठीक है? चलो हाथी छोड़ देगा उसे घर। यहाँ पे भी देखो फुवारा वगैरह था, सब खराब हो गया है। इसमें इंटीरियर ठीक करेंगे शायद, एक एक करके ना। काम शुरू है देखो ना। सकते बस सार्वजनिक है बोला तो। हाँ? कौन से ऊपर में जाना था आपको? बिल्डिंग के ऊपर में? हाँ तो वो तो नजदीकी है इधर। हाँ मचान। मचान क्या होता है? फक्त चार व्यक्ति ना, इसीलिए ये दोनों चढ़ गए ऊपर। তুমি যখন বড় হবে না, বিয়ে করবে তখন তোমার একটা মনে হবে, ঠিক আছে? तो गाइस पार्क से आके हम लोग थोड़ा सा कुछ स्नैक्स खाने के लिए बैठ गए थे। तो हम एक रेस्टोरेंट में आए थे, यहाँ पे मैं हमेशा आती रहती हूँ और आपके साथ भी मैं ये जगह शेयर की हूँ कुछ व्लॉग्स में। तो यहाँ पे हम ऑर्डर किए हैं पिज़्ज़ा और ये शायद
पनीर पिज्ज़ा था जिसमें कोई एक्स्ट्रा वेजिस का नहीं था, जैसे शिमला मिर्ची वगैरह देते ना कैप्सिकम फिर कॉर्न वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ पनीर था और एक्स्ट्रा चीज़ था। हम सब ने हमारे हिसाब से ही मंगवाया है ताकि सभी लोग खा सकें, जो जो ने भी एक स्लाइस पूरा अच्छे से खाया। तो बहुत अच्छा था ये संडे, एक्चुअली में संडे में गए थे हम लोग और फर्स्ट टाइम संडे में पार्क में गए, इतना इंजॉय किया हमने तो बहुत इंजॉय किया। आप अपना संडे कैसे इंजॉय करते हो कमेंट में ज़रूर बताना, और ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और जल्द ही कोशिश करूँगी एक नया व्लॉग आप लोग के लिए ला सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। बाय बाय।